अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हैदर और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मालूमाती होने वाली है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू कैसे लिखें। तो इससे पहले कि वीडियो ट्यूटोरियल शुरू किया जाए, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि और आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर के मुतालिक या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के मुतालिक या गेमिंग स्ट्रीमिंग्स वगैरह के मुतालिक आप उसे बाखबर रहे। जी तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको जरूरत है वो है एक सॉफ्टवेयर की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है फोनेटिक कीबोर्ड। उसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उसका देख सकते हैं। एक बात मैं बताता चलूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैं उर्दू लिखना सिखा रहा हूं, मैं ये नहीं सिखा रहा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते कैसे। तो फिर भी अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं चलाना आता तो अगर वो इस ट्यूटोरियल को देखे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक सारे फीचर्स से तकरीबन वो वाकिफ हो जाएगा और उसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले उर्दू में लिखने के लिए आपको टेक्स्ट डायरेक्शन जो है जो वो राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने उर्दू लिखनी है, एक चीज। सेकेंडली जो है एक और जो बात है कि आपके पास उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल हुआ हो, ठीक है, जैसा कि है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। इसकी शॉर्टकट की है आल्ट शिफ्ट। आल्ट शिफ्ट से जो है ये उर्दू कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीबोर्ड उर्दू में, ठीक है। ये देखिए, आल्ट शिफ्ट मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये उर्दू में जो है कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इसमें पहले से ही उर्दू के फॉन्ट्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप फॉन्ट जो है मेरी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिए हुए हैं, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखना। अब देखें मैंने कितने आसानी से उर्दू जो है माइक्रोसॉफ्ट में टाइप कर लिया। आप सबके बेशतर लोगों के एक माइंड में आएगा कि इतनी जल्दी से मैंने उर्दू कैसे टाइप किया है। तो मेरे दोस्तों, इसका यही एक आसान तरीका है कि पहले तो आप अपनी इंग्लिश टाइपिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं बहुत जल्द टाइपिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह आप फन के साथ जो है अपनी टाइपिंग स्पीड है उसको तेज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट गलत प्रैक्टिस जो है वो कभी भी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती, बल्कि उसमें और ख़राबियाँ पैदा कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रूल्स के मुताबिक जो है वो फॉलो नहीं करेंगे टाइपिंग को, तो आपकी स्पीड एक ख़ास वक़्त में आके रुक जाएगी, जैसे कि आप 100 से अबव क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अभी की मेरी स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट, 70-80 वर्ड पर मिनट है, और जो उर्दू की है वो तकरीबन 50-60 वर्ड पर मिनट है। तो वो किस तरह होगी, आपको किस रूल्स को फॉलो करना होगा, इसके एक मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह आप अपनी इंग्लिश की टाइपिंग को तेज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इंग्लिश की टाइपिंग तेज़ होगी देन ही आपकी जो है उर्दू की टाइपिंग तेज़ होगी, ठीक है। तो अब जो है बात आ जाती है कि इस पे उर्दू लिखने की, उर्दू कैसे लिखी जाए। अगर आपको उर्दू नहीं लिखनी आती तो पहली चीज़ आपको इंग्लिश के साउंड आते हों, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम ABC से स्टार्ट करते हैं, तो मैं उसके लिए एक कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं, कंट्रोल ई शॉर्टकट की है इसकी, ठीक है, सेंट्रलाइज हो गया। अब यहाँ से पहले मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँ। हमारे पास ए है, बी है, सी, डी, टैब का बटन मैंने प्रेस करके रखा है तो कॉलम मेरे पास और आते जा रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMN
O P Q R S T U V V Y and Z. सेल को डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करें सेल को, राइट क्लिक करें, डिलीट सेल पे क्लिक करें, सेल जो है आपका डिलीट हो जाता हूँ। मैं एक और कॉलम और यहाँ पे एक इंसर्ट कर देते हैं, कॉलम टू लेफ्ट, ठीक है, और एक और कॉलम इंसर्ट करते हैं, कॉलम टू लेफ्ट, ठीक है, सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉलम एक इजाफी आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कॉलम, और देन ये कॉलम जो है इसकी मैंने एक कॉपी यहाँ पे, साथ साथ आपको फॉर्मेटिंग का भी पता चल रहा होगा कि फॉर्मेटिंग कैसे हम कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये देखें, फोनेटिक कीबोर्ड, और या इसको मैं कह सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ उर्दू कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, इसको हम जो है सेंट्रलाइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये सेलेक्ट करें और शिफ्ट F3 दबाएं तो ये सारे स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम जो अपना केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस, लोअर केस, ठीक है। तो शिफ्ट F3 जो है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है। अब जैसे A है, अब A एक कैपिटल वर्ड है, तो जाहिर सी बात है अगर हमने कैपिटल A प्रेस करेंगे कीबोर्ड की मदद से तो ये हमें अली मद्दा आ, यानी कि अगर अलिफ के ऊपर आ डालना होगा, अली मद डालनी होगी, तो देन जो है आप शिफ्ट जो है वो प्रेस करेंगे, दैट्स व्हाई इसने सर्कल करके अली मद्दा आ का साइन दे दिया। जैसा कि अगर मैंने अलिफ डाला है और अलिफ के साथ अली मद्दा आ डालना है तो शिफ्ट प्रेस करके देन जो है उसको करूँगा, ठीक है। इसी तरह अगर बे के ऊपर मद डालनी है तो बे प्रेस करके शिफ्ट जो है ए, तो ये एक्चुअली में कैपिटल है, तो कैपिटल को हम लिखने के लिए शिफ्ट होल्ड करके रखते हैं, तो हमारे सारे जो केस है ABC का जो लेटर्स हैं अल्फाबेट्स के वो अपर केस में चले जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में चले जाते हैं, तो अपर केस लेटर में अगर ए प्लस करेंगे तो ये अली मद्दा आ लिखेगा, ठीक है, आपके मोबाइल के फोनेटिक कीबोर्ड में भी और वर्ड के फोनेटिक कीबोर्ड में या आपके कंप्यूटर के फोनेटिक कीबोर्ड। इसी तरह सी है तो शिफ्ट सी जो है वो से की साउंड देता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने सीन से लिखना है, ठीक है, खाली शिफ्ट जो है आपकी वो चे की साउंड देता है, दैट्स वाई वो हम उसको स्मॉल सी में लिखेंगे, खाली सी जो है हमें वो चे की साउंड देता है। इसी तरह ई पे आ जाए तो ई की साउंड अ की है, यानी कि अली लिखना है, ऐसे तो उर्दू में आइन ए लिखते हैं अली पर, उर्दू में सॉरी वैसे तो इंग्लिश में ए से अली बनता है, पर आपको आप जानते हैं कि पर उर्दू में लिखे तो आइन पहले आता है, तो आइन की साउंड अ है ई, तो ई की साउंड जो है वो आइन से आएगी, तो ई से एक सेकेंड साउंड कोई नहीं बन रही, तो इसीलिए इसको एक स्पेसिफिक जो है वर्ड दे दिया गया है अले इस्लाम का। जैसे हम अक्सर लिखते हैं अपने अम्बिया इकराम के साथ या सहाबा के साथ, जैसे हम अक्सर लिखते हैं अम्बिया इकराम के साथ अले इस्लाम, ठीक है, जैसा कि हजरत नो अले इस्लाम, अले इस्लाम, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है वो छोटा सा जो आइन है वो हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये शिफ्ट ई की बजाय हमने सिर्फ ई प्रेस किया, शिफ्ट ई मतलब कैपिटल ई, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं एक और जो है सेल इंसर्ट कर देता हूँ, इस सेल्स को हम क्या कर देते हैं, मर्ज डिज़ाइन में आ जाएं आप, आप लेआउट में आ जाएं, लेआउट से आप जो है इसको मर्ज सेल करते हैं, ठीक है। मर्ज सेल, इनको भी मैंने मर्ज सेल, ठीक है। ये मैं कह देता हूँ इन्हें कैपिटल लेटर्स या होल्ड शिफ्ट की, ठीक है, स्मॉल लेटर्स विदाउट शिफ्ट की, ठीक है। तो ए जो है वो अलिफ की साउंड देता है, तो इसको हम शिफ्ट जो है, सॉरी, उर्दू में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये अलिफ की साउंड देता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बी पे आ जाए हमारे पास, सॉरी, मैंने सी से और ई पे जंप कर लिया, हमें इस तरफ चलना चाहिए, तो ये एक थोड़ी मिस्टेक होगी, तो खैर हम अब इस तरह फर्दर चलेंगे। इसी तरह इसको भी मर्ज कर देते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक। अब जो हमारे पास बी की साउंड है वो है हमारे पास ब, बे बकरी, बे बत्तख, ठीक है, तो वो साउंड आती है। तो बी जो है वो अगर हम स्मॉल लेटर्स लिखें तो बे की साउंड, ठीक है। तो बे और अलिफ को अगर मिला के देखा जाए तो वो बा बनता है, वी नो दैट। अब बी की भी एक सेकंड वॉइस या सेकंड नहीं है, तो इसीलिए ये जो बी है ये रजीद अलानहो के लिए स्पेसिफिक कर दिया गया है। जैसे मैं लिख देता हूँ अबू बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजीद अलानहो, ठीक है। तो ये देखें जी, रजीद अलानहो शिफ्ट बी से हम प्रेस करते हैं तो शिफ्ट बी से रजीद अलानहो लिखा जाता है। इसी तरह अब हम सी का मैंने बता दिया कि अगर आप शिफ्ट सी से करेंगे तो से शिफ्ट सी करेंगे, शिफ्ट सी, सॉरी, मैंने शिफ्ट शिफ्ट सी सी का मैंने बता दिया कि शिफ्ट सी करेंगे तो से लिखे जाएगा, और अगर खाली सी करेंगे तो वो चे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है हम इसको एक अलहदा कर देते हैं, इसको हम जो है छोटा करते हैं। कंट्रोल अगर आप दबा के रखेंगे कंट्रोल की और देन प्रेस करेंगे आप, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि उर्दू में है तो उर्दू की तरफ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की और माउस की स्क्रोल अप एंड डाउन करेंगे तो आपको जो है जूम इन जूम आउट मिलेगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहां से मैं आप इसको शेड दे देता हूं, शेड कोई दे देते हैं ताकि जो है हमें ज्यादा आसानी से समझ आए, ठीक है। बोल्ड भी कर देते हैं, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया। इसी तरह इसको भी हम कर देते हैं, और इसका शेड हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, और यहाँ से हम इसका कलर भी वाइट कर देते हैं, लाइटिंग का कंट्रोल। अब हमें जो है स्पेसिफिक पार्टीशन नजर आ रही, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डी, तो डी जो है शिफ्ट डी डाल के लिए यूज होता है, और वैसे एक सेकंड साउंड जो आती है वो दाल की आती है, ये भी हम जानते हैं, डी की डबल साउंड है ड और दाल द, ठीक है। उसके बाद एफ है, एफ फे की आवाज निकालता है, और शिफ्ट एफ जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया क्योंकि इसकी सेकंड साउंड नहीं है। तो ये अगर आपने किसी भी वर्ड के नीचे जबर जबर जेर जबर जेर किसी भी
शिफ्ट एफ से अगर आपने किसी भी लफज के नीचे जो खड़ी जबर होती है लफज के नीचे डालनी है तो आप वो लिख के शिफ्ट एफ लिख सकते हैं, तो इसलिए यूज होता है। उसके बाद जी पे आएंगे तो शिफ्ट जी आप जानते हैं कि गाइन की साउंड देता है, तो आप जो है गाइन लिखेंगे, ठीक है, और जो खाली जी है वो गाफ की साउंड देता है, ठीक है। तो बस आपको यही चीजें याद रखनी हैं कि अगर मैं सिंपल जी प्रेस कर रहा हूँ तो कौन सा साउंड दे रहा है, और अगर हम सिंपल की नहीं प्रेस कर रहे शिफ्ट के साथ, और अगर हम शिफ्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो ये कौन सी साउंड देगा या कौन सी चीज प्रेस करेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप इसको करते रहेंगे आपको उर्दू की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इसकी इसके साथ ही आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक इमेज फाइल का भी लिंक दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड से कौन सा की जो है वो प्रेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एच में आते हैं, तो एच जो है वो खाली जो एच है वो खड़ी दो आंखों वाली हे जिसको बोलते हैं उसका साउंड देता है, हे का साउंड देता है, और दूसरी हे है तो जाहिर सी बात है हे हुक्के वाली हे जो है वो एच से प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आई है, तो आई छोटी ए के लिए यूज होता है, और शिफ्ट आई जो है वो खड़ी जबर के लिए अगर आपने लिखना है, जैसे मैं लाम लिख के खड़ी जबर डालता हूँ तो शिफ्ट आई। उसके बाद जे पे आए तो जे जीम के लिए, और शिफ्ट जे जो है वो इसके लिए यूज होता है, और जे जो है जीम के लिए, और बस एक यही एक खास वर्ड है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसकी अल्फाबेट्स में भी वो वाजे नहीं निकलती, जुआद है जैसे जाल और जे को जेड दे दिया तो बाकी अब जुआद कहाँ जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने जे को शिफ्ट जे से जुआद को स्पेसिफाई कर दिया गया, ठीक है। शिफ्ट जे सॉरी यहाँ पे गलती होगी, खाली जे जीम से है यानी कि शिफ्ट के बगैर जीम से है, और शिफ्ट जो है जे और जुआद से है। उसके बाद के है काफ से, अगर वैसे के प्रेस करते हैं तो काफ से के प्रेस होगा, और शिफ्ट के से जो है खे प्रेस होगा, खुरम जैसे हम खुरम लिखते हैं तो खे, ठीक है। तो उसके बाद लाम है, एल है तो वो एल है तो वो लाम की साउंड देगा, और शिफ्ट एल जो है इसको रहमतुल्लाह अलैह के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया, जैसा मैं लिखता हूँ इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है जी। अच्छा ये मेरा जो है डाटा सेंट्रलाइज नहीं लग रहा, खूबसूरत नहीं लग रहा, तो इसके मैं लेआउट में आके इसको सेंट्रलाइज कर दूँगा ताकि ये खूबसूरत, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एम, एम जो है जाहिर सी बात है मीम की साउंड देता है, और जो शिफ्ट एम है वो अलिफ के नीचे छोटी सी हमजा के लिए जो है स्पेसिफाई कर दिया गया। उसके बाद जो एन है वो नून की, और शिफ्ट एन जो है वो नून गुना की के लिए स्पेसिफाई किया गया है। इसी तरह जो ओ है वो हे के लिए, और जो शिफ्ट ओ है वो हे के ऊपर दो नुक्ते मतलब तह तह की साउंड देने के लिए, बस ता अगर हम लिखते हैं तो इसको भी यूज, यहाँ भी आप उर्दू ज़्यादा आपकी अच्छी है तो आप उसको ज़्यादा पता है कि आपको ये वाली ये जो है कहाँ यूज़ करनी है। बहरहाल पी फॉर पे के लिए पी, उसी तरह अगर आप शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो ये पेश के लिए यूज़ होता है, पू पे पे पेश पू, ठीक है। काफ क्यू काफ से यूज़ होता है, तो यहाँ पे शिफ्ट क्यू के बगैर क्यों लिखेंगे तो काफ, और शिफ्ट क्यों लिखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है वो, अब इसका यूज़ नहीं मुझे पता, खैर अगर आप उर्दू में ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको पता होगा कि इसका सिंबल मेरे जेहन में नहीं है, बस इंग्लिश पढ़ पढ़ के अंग्रेजी दान बनने की कोशिश में बस भूल गए हैं कि हमारी उर्दू क्या चीज़ है। बहरहाल रे आर फोर रे, और शिफ्ट आर जो है वो अड़े के लिए, इसी तरह एस फोर सीन, और शिफ्ट एस स्वाद,
टी फॉर टे, सॉरी ते, और शिफ्ट टी टे, यू फॉर हमजा, हमजा के लिए यूज़ होता है फोनेटिक कीबोर्ड में तो इसने वैसे ही लगा दिया, और शिफ्ट यू यूज़ होगा उल्टी पेज के लिए, ठीक है। वी खास एक मुझे वी बड़ा खूबसूरत लगता है, इसकी वाओ की साउंड तो आनी चाहिए पर डब्ल्यू को उसको ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया गया है डब्ल्यू को, तो पर वी जो है वो तोएं जोएं के लिए यूज होता है, तोएं जोएं, ठीक है, तोएं और शिफ्ट वी जोएं। इसी तरह डब्ल्यू मैंने बताया आपके वाओ के लिए, और शिफ्ट डब्ल्यू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करने के लिए। पूरे फोनेटिक कीबोर्ड में सबसे खूबसूरत एक ये लफ्ज़ लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक हम जाहिर सी बात है अल्लाह ताला। अच्छा जी, उसके बाद एक्स, एक्स जो है वो जो है खाली एक्स शीन के लिए यूज़ होता है, ये भी बड़ा एक पेचीदा है क्यों होता है ये तो बनाने वाले को ज़्यादा पता है, पर ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होने दे रही है, एक्स शीन के लिए यूज़ होता है, ये बस माइंड का खेल है, याद हो गया सब आसान। शिफ्ट एक्स से के लिए यूज़ होता है, और जेड जो है वो जाल के लिए यूज़ होता है, शिफ्ट जेड जो है वो जे के लिए यूज़ होता है, और वाई ये के लिए यूज़ होता है बढ़िया के लिए, और शिफ्ट वाई जो कोई भी अगर आप सन डालते हैं ईसवी वगैरह तो उसके लिए यूज़ होता है 2009, फिर आ गई ये चीज़ हम उर्दू में अक्सर यूज़ करते हैं 1993 इस तरह लिखते हैं 1993 तो तब भी आप इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड हो गया। अब इसके साथ मैं डिफरेंट वर्ड्स को इसके साथ यूज़ करके दिखाऊंगा, जैसे मैं अली मद्दा आ है तो अली मद्दा आ से अली मद्दा आ, जैसे ये ए फॉर अलिफ सिंपल ए, ठीक है। इसकी चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं एक यहाँ पे शिफ्ट सेल अप कर देता हूँ, इंसर्ट एक रो अबव कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं मर्ज, ठीक है। तो ये हो गया मर्ज, यहाँ पे मैं साउंड यूज कर रहा हूँ ए फॉर अलिफ फिर अलिफ मद्दा आ और देन बे, बे आप, ठीक है, आप मैंने यूज किया, ठीक है। इसी तरह अलिफ बे अलिफ बा अब्बा, ठीक है। अगर आप अलिफ के ऊपर जबर डालना चाहते हैं तो या पेश डाल देते हैं, हमने पी पेश पू पढ़ा, ठीक है। अच्छा, याद रहे कि जब भी आपने कोई चीज़ टाइप करनी है जैसे अलिफ बे, ठीक है, अलिफ बे के साथ मिल ही नहीं सकता, मिला के लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ पे स्पेस प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सिंपल अलिफ बे, किसी को बहुत ज़्यादा स्पेसेस यूज़ करने की बड़ी गंदी आदत होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदी और बुरी आदत है। आप हर जगह जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी स्पेस बजाय टैब यूज़ करने के लिए, टैब का बटन कीबोर्ड पे अवेलेबल है जो कि आपको 0.5 सेंटीमीटर की स्पेस देता है, पर आप जो हैं स्पेसेस यूज़ करते हैं 5, 6, 7, 10, 15, 20 स्पेसेस यूज़ करनी है जहाँ पे आप स्पेस दबाए जाते हैं, टैब यूज़ करें भाई। तो अलिफ और बे जो है मिल नहीं सकते, तो आप बगैर स्पेस के लिए यूज़ किया अलिफ के बाद बे लिख सकते हैं, पर आपको पता है बे और लाम मिल सकते हैं, इसीलिए अगर आपने बे अलिफा जी, अब ये जो है किसी भी लफ्ज़ के साथ मिल सकता है या ये को हम शीन के साथ मिला सकते हैं, तो इसीलिए बाजी शेर लिखना है तो उसके बाद स्पेस ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि छोटिए के बाद आप स्पेस लिखेंगे, बे अलिफ जीन छोटिए, बाजी के बाद ये छोटिए के बाद आप शीन उसी वक्त डालेंगे तो ये के साथ शीन मिल जाएगी, तो इसीलिए आपको सिंगल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, देन आप शेर शीन अलिफ रे ऐसे ये शीन छोटिए और रे शेर लिखेंगे, देन फिर स्पेस का यूज़ करेंगे, तो आपको उम्मीद है पता चल गया होगा कि स्पेस का यूज़ आपके जो है राइटिंग में बड़ा ज़रूरी है, जो चीज़ भी आपने लिखनी है यार। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड है, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो स्पेसिफिक वर्ड है जैसा कि एक स्पेशल करेक्टर है हमारे पास ये वाला, एक हमारे पास है ये वाला,
इसको अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, वैसे प्रेस करेंगे उर्दू में तो ये चीज़ें वो सर कोमा वगैरह और फुल स्टॉप वगैरह डालेगा, पर शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो अलिफ ज़ेर ई ये वाला अगर साइन यूज़ करेंगे, यानी कि शिफ्ट के साथ ये प्रेस करेंगे लेस देन ग्रेटर देन देन अलिफ पेश ई और अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई और अलिफ ज़बर आ, ये प्रेस होंगे स्पेशल करेक्टर से। इसी तरह अगर आप यूज़ करते हैं स्पेशल करेक्टर्स में जो की है शिफ्ट वन को, ठीक है, शिफ्ट वन का जो है वो साइन है ऐसा, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो उर्दू में आपको इंग्लिश में कन्वर्ट, उर्दू में जी ये अगर प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ तो उर्दू में आपको दो खड़ी जबर, जैसे हमने तकरीबन लिखना हो मैं लिखूंगा ते काफ रे अलिफ, सॉरी ये बे और अलिफ के ऊपर शिफ्ट जो है, जो ये एक लिखा होता है न्यूमेरिक कीज में, जो एक लिखा होता है गिनती वाला, उसके साथ ही एक बटन मौजूद है जिसको हम प्रेस करेंगे तो ये दो खड़ी जबर जो है लग जाएगी तकरीबन। मजीद अगर कोई चीज़ कॉम्बिनेशन पूछनी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई चीज़ रह गई हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट चीज़ जो है मैंने ऐड किया है, इसी तरह आप डिफरेंट वर्ड्स के कम्बिनेशन, इसी बात आप तोड़ जोड़ तो आपको आते ही होंगे, ठीक है, तो आप उनको जो वो यूज़ करके आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। और क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इसी तरह अगर हम इस इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें तो इसमें से देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकता है। फ्लैशी अगर हम लिखना चाहते हैं से अलिफ सा ला बी अलिफ, ठीक है, रे और छोटी है आई फोर छोटी है सालाबादी, और डाल से डाल शिफ्ट डी डाल, ठीक है, हे जो है दो आंखों वाली तो खाली एच और वाओ डब्ल्यू और एल हो ढोल। इसी तरह सी फोर सी चे अलिफ चाचा और दाल अलिफ दादा, ठीक है। तो ये जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उतना ज़्यादा आपको वो समझ में आएगा कि किस तरह जो है वर्ड जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, साथ साथ आप फॉर्मेटिंग भी देख रहे हैं कि किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आइन लाम छोटी है, इसी तरह हे शिफ्ट आई दाल फाहत, इसी तरह ई, अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जो ई है वो शिफ्ट ई जो है वो अल इस्लाम है, और जो खाली ई है वो आइन के लिए, ठीक है, खाली ई आइन के लिए है और शिफ्ट ई अल इस्लाम के लिए, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। मिस्टेक हो जाती है, इंसान जो पुतला है बहाल। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लाइन के मिसोट कर सकते हैं शिफ्ट डाल सकते हैं और इनको मर्ज कर लेते हैं। भल्ला शिफ्ट एच हैदर ये दाल रे, ठीक है, गाना बजाना गीता फिर गया सुहाना पल फिर कब आए गा, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शन है आपको आपके पास, जो भी आपको जो है लिखना चाहें जिस तरह आपका काम है उस रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आप किस तरह से पेपर वगैरह टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आप मैं काफी टाइम दे चुका हूँ, कुछ लोग थक जाते हैं बड़ी लंबी वीडियोस वगैरह देख देखें, तो इसलिए जो मैं वीडियोस के पार्ट बना देता हूँ ताकि आप जो है थकावट महसूस ना करें। कुछ लोग तो टाइम ड्यूरेशन देखे लेक्चर खोल देंगे, इतना लंबा लेक्चर, जैसे वो मोटी किताब देखे लोग किताबों को खोल देंगे ना, बस वही हिसाब लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन का हो जाता है, इतने डेढ़ घंटे की वीडियो भाई, तो इसलिए जो है मैं ड्यूरेशन जो है इसकी कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है आपको पाए ना, और इसको मैं लेक्चर को पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किन किन पार्ट में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। इतना जग जात से जो है जालिम वो तो जो है, ठीक है, बात से ज़ईफ़ लिख सकते हैं, ठीक है, या कुछ और लिख सकते हैं,
ठीक है। अब आपको यकीनन परेशानी हो रही होगी मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि आप फेमिलियर हो गए लिखने टी से, ठीक है। इसी तरह ही आप ठीक है जी, नून है छोटी है मंगुना फिफ्ट एन, ठीक है। ठीक है जी, तो ये ग्राफ फॉर्मेशन जो है क्रिएट हो गई है, आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मजीद अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है उर्दू राइटिंग में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मज़ीद आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं आप उसके बारे में कमेंट में मुझे दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी का कोई रिव्यू चाहिए या टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए कि आप कहें कि ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो ये कर सकता हो, और काइंडली फुलिश कमेंट्स ना कीजिएगा। जो एक प्रॉपर चीज़ होती है जिसकी आपको ज़रूरत है, इलम एक सदका जारिया है, तो उस चीज़ों का आप पूछें जो आपको मैं बता सकूँ और आप आगे बता सकें। अल्लाह हम सब की मदद करे और हमें अच्छे से अच्छा सबक और तलीम हासिल करने और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।